नमस्कार, मैं रविश कुमार। शराब सोच रही थी कि वो बच जाएगी क्योंकि सबका ध्यान मांस पर है, जबकि आफत उस पर भी आई हुई थी। मांस ने चालाकी की, यूपी में घिर गया तो नॉर्थ ईस्ट पहुंच गया और फिर केरल चला गया। शराब फंस गई। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे और राजकीय राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे के 500 मीटर इधर उधर अब कोई शराब की दुकान नहीं हुआ करेगी। आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। आप मीडिया का कवरेज देखिए, मीट के कवरेज में अवैध को वैध बनाने पर बहुत जोर है। लाइसेंस लेना होगा वरना पुलिस और सरकार के दम पर उछलने वाली भीड़ हमला कर सकती है, उसे जायज हक है। शराब के समय ऐसा जोर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा है वैसा ही पालन होना चाहिए। शराब से पर्यटन, राजस्व और रोजगार के सवाल को प्रमुखता से जोड़ा गया है। बूचड़ खाने और मीट के वक्त वैध और अवैध को ही प्रमुखता मिली। हम कुछ अखबारों की उस वक्त की सुर्खियों के नमूने पेश करना चाहते हैं ताकि आप देख सकें कि मीट और बूचड़ खानों के समय मीडिया की भाषा और मंशा क्या थी। एक्शन में योगी, लोग खुश, अवैध बूचड़ खानों पर ताले। बिना लाइसेंस के चल रही है मीट फैक्ट्री, प्रशासन ने सील की। शहर में संचालित 3 अवैध बूचड़ खाने सील। अवैध बूचड़ खाना बंद कराने का अभियान शुरू। जिले में पशु कटान पर लगा रहा अघोषित प्रतिबंध। कार्रवाई के विरोध में हड़ताल पर मीट व्यापारी। यूपी में बूचड़ खानों पर कार्रवाई, जानें वैध अवैध का अंतर। अंग्रेजी अखबारों की सुर्खियां, 17 रूल्स यूपी मीट सेलर्स मस्ट फॉलो, हाउ यूपीज मीट बिजनेस वॉज रन बिफोर योगी आदित्यनाथ क्रैक द बीफ, दिस इज हाउ द स्लॉटर हाउस बैन इन उत्तर प्रदेश विल क्रिपल रेवेन्यू कॉस्ट मिलियंस ऑफ जॉब। बूचड़ खानों और मीट मुर्गा की दुकानों पर छापामारी पुलिस ही नहीं कर रही, कुछ लोग भी कर रहे हैं जो खुद को सरकार के स्वयंसेवक समझ रहे थे। मीट की दुकानें किसने जलाई आखिर? गौमांस और मांस को एक ही कतार में बिठाया गया, जबकि यूपी में 1950 के दशक से ही गौमांस या गौ हत्या पर प्रतिबंध है। राज्य सरकार चीखती रही कि उसका फैसला किसी समुदाय विशेष के प्रति नहीं है, जिसके पास लाइसेंस है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। बूचड़ खानों को अवैध बताया गया, मगर क्या यह बताया गया कि वहां कट क्या रहा था, बकरा, भैंस या गाय? बजाय इस अंतर के सबको पेश कर सबके इस तरह से पेश किया गया जैसे अवैध बूचड़ खाने का मतलब है वहां गौ मांस का कारोबार हो रहा हो। यह मीडिया की भाषा का टोन था। टोन वह हुआ जो जोर जोर से बोला जा रहा है, अंडरटोन हुआ जो बिना बोले बोला जा रहा है। राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों से सटे 500 के मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को हटाने के आदेश में मीडिया ने किस पक्ष को उभारा, ये आप देखिए। राज्य सरकारें राजमार्गों का दर्जा बदलकर राहत दे रही हैं, हाईवे को नगरपालिका के दायरे में लाया जा रहा है, फिर इस फैसले का क्या मतलब रह जाएगा? लेकिन मीडिया का हेडलाइंस देखिए किस तरह से कहा जा रहा है कि शराब को बंद दुकानों को ऐसे दिखाया गया जैसे ग्लोबल अर्थव्यवस्था का घर उजड़ गया हो। रिपोर्टर से लेकर एंकर की भाषा को ध्यान से देखिए, इन दुकानों के प्रति सहानुभूति दिखेगी, रोजगार और कारोबार के नुकसान के पक्ष को ज्यादा मजबूती से उभारा जा रहा है। दिखाया गया कि किस तरह से फ्रीडम ऑफ च्वाइस पर हमला हुआ है। इसके टोन अंडरटोन में आपको समुदाय का रंग नहीं मिलेगा, इसलिए शराब कारोबारी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात मीडिया के सामने रख रहे हैं। पूरे कवरेज में आपको सड़क दुर्घटना का पक्ष या तो गायब दिखेगा या कमजोर दिखेगा। मीडिया कितनी जल्दी शराब की दुकानों के प्रति सहानुभूति रखने लगा, खासकर अंग्रेजी मीडिया, उसके हेडलाइंस इस तरह से रहे, हाउ मुंबई कोप विथ लिकर बैन अलोंग हाईवेज, सुप्रीम कोर्ट हाईवे बूज बैन कॉजेज लॉन्ग लाइंस शॉर्ट टेम्पर्स, हाईवे लिकर बैन 5000 पीपल मे लूज जॉब्स इन चंडीगढ़, सुप्रीम कोर्ट हाईवे लिकर बैन इज डिजास्ट्रस विल किल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हिट 1 मिलियन जॉब्स, लिकर बैन अलोंग हाईवेज हाउ कोर्ट ऑर्डर्स लीव स्टेट कॉफर्स ड्राई, श्रिंकिंग एक्सचेकर्स इज व्हाट स्टेट गवर्नमेंट्स आर मोस्ट वरीड अबाउट। मीट दुकानदारों को मीडिया वैध होने का लेक्चर दे रहा था, शराब दुकानों को लेक्चर देना भूल गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, भाई जैसा है वैसा पालन करो। वो लोग भी गायब हो गए जो यूपी में घूम घूम कर मीट की दुकानों का लाइसेंस चेक कर रहे थे, उन्हें वैध बनाने का राष्ट्रीय कर्तव्य पूरा कर रहे थे। अब आते हैं शराब कारोबारियों के मसले पर। वे वाकई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फंस गए हैं। अचानक उनके सामने दुकानें बंद होने का खतरा पैदा हो गया है जिन्हें सरकार ने लाइसेंस लेकर ही खोला था। पर सोचिए इनकी बातों को मीडिया कितनी सहानुभूति से दिखा रहा है। वही मीडिया को सड़क दुर्घटना के खिलाफ अभियान चलाता है जो मीडिया। क्या आप मीट दुकानों के कवरेज में फुटपाथ पर मीट मुर्गा और मछली बेचने वालों की कहानी जान सके जिनकी दुकानें हटा दी गईं? क्या आपको पता चला कि रोजी रोटी उनकी भी छीनी है? होटल कोई बोतल नहीं है कि जेब में रखकर कहीं और चलते बनेंगे आप। 10 लाख लोगों से जुड़े
इसके कारोबार का दावा किया जा रहा है। हालांकि ईपीएफओ का सर्टिफिकेट देना चाहिए कि इतने लोगों का ये प्रोविडेंट फंड काटते हैं कि नहीं काटते हैं, लेकिन दावा कर रहे हैं 2 लाख करोड़ का कारोबार बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हाईवे से सटे हजारों बार पब दुकानों पर असर तो पड़ेगा, नौकरियां जाएंगी या अदालत ही नहीं सोचेगी, सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा फैसला दिया यह भी सोचना होगा। सड़क दुर्घटना से मरने वालों में 25% नशे के कारण गाड़ी चलाने के कारण मारे जाते हैं। हर साल शराब के कारण होने वाली दुर्घटना से 6000 से अधिक लोग मारे जाते हैं। क्या कोई अदालत इसे देखती रह सकती है? एक फैसले से एक झटके में जितने लोगों की जानें नहीं बची उससे कहीं ज्यादा लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कुछ भी अंकुश नहीं लगेगा? क्यों सरकारों ने हाईवे के किनारे शराब की दुकानें खोली? दंड सरकारों को देना चाहिए, मिल गया दुकानदारों को। एंकर रेड वाइन के फायदे बता रहे हैं, जैसे मीट में प्रोटीन तो होता ही नहीं था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को चुनौती दी है कि वो शराबबंदी लागू करे, बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी लागू करके दिखाए। हमारी राजनीति भी शराब के पीछे पीछे आ रही है। दरअसल हमारी आधुनिकता और राजनीति का टायर पंचर हो गया है, उसकी गाड़ी फंस गई है। कभी मीट में जाके फंसती है तो वहां से निकलकर शराब में फंस जाती है। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का लोकसभा में दिया गया बयान है 2015 का कि भारत में हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसके कारण हर साल 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। इससे सालाना 55,000 करोड़ का नुकसान होता है। इसमें भी आ गया आपका वो GDP जिसका नुकसान हम मर जाएंगे मगर बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह राशि GDP की 3% है जो सड़क दुर्घटना के कारण नुकसान होती है। 18 मार्च 2014 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला दिया कि हाईवे के किनारे खुली शराब की दुकानें दिखनी नहीं चाहिए और इन तक पहुंचने का रास्ता बंद हो जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया था, तब हमने प्राइम टाइम किया था। तब पंजाब और हरियाणा की सरकारें सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। नुकसान सड़क दुर्घटना से भी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी होगा। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ हरमन सिद्धू हैं जो पिटिशनर हैं, याचिका करते हैं करता है, और SM शेरवानी साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, और फौजान अलवी साहब हैं, डायरेक्टर हैं, आप अलाना सन्स के हैं, आप मीट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हरमन सिद्धू साहब, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, आपने एक ऐसी याचिका दायर कर दी कि जिसके फैसले में इतने लाखों लोगों का के रोजगार पर संकट आ गया है, कई हजार करोड़ कारोबार पर संकट आ गया है। आपको लगता है आपकी नजर में कि सुप्रीम कोर्ट ने इरादा सही होते हुए भी कुछ ज्यादा झटका दे दिया सख्ती से? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि 2004 से लेकर रिपीटेडली जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को लेटर्स भेज रही थी, एडवाइजरीज भेज रही थी कि आप सड़क पे जो शराब के ठेके हैं या जो भी लिकर ट्रेड हो रहा है उसको रोको आप। और जो रिपीटेड ये एडवाइजरीज थी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ इतने सालों में। एंड सब्सिक्वेंटली हमने इस चीज को कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया। और एक और मैं आंकड़ा आपको देना चाहूंगा, जलंधर पंजाब से लेकर पानीपत हरियाणा तक 291 किलोमीटर, 185 लिकर शॉप्स, सो 1.5 किलोमीटर पे एक ठेका, यानी कि अगर आप 90 की स्पीड पे जा रहे हो 1 मिनट के बाद एक शराब का ठेका आपको मिलेगा। और ये इतनी कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं कि जिसकी प्रोविजन सड़क पे 1-1 मिनट के बाद होनी चाहिए। और इसको लेकर 2014 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बहुत क्लियरली ऑर्डर दिया था के द लिकर वैंड शुड नाइदर बी विजिबल नॉर एक्सेसिबल फ्रॉम दी हाईवेज। सिर्फ 6 दिन के बीच बीच दोनों पंजाब और हरियाणा सरकारें सुप्रीम कोर्ट जाके उन्होंने अपील डाल दी कि भी हम नेशनल हाईवे से ठेके हटा देते हैं, दुकानें हटा देते हैं, लेकिन स्टेट हाईवे पे हमें यह बिजनेस करने की परमिशन दी जाए। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं जो अचानक रातों रात हो गई हो, ये पिटीशन पिछले 5 साल से चल रही है और इसका ऑर्डर 15 दिसंबर 2016 को आया था जी, जिसके बाद 68। हरमन साहब, पर आपको नहीं लगता कि हाईवे के किनारे जो ठेके हैं उनका बंद होना और जो जो शहर से लगी दुकानें हैं, 5-स्टार होटल हैं, पब हैं, जैसे गुड़गांव का उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे चंडीगढ़ का उदाहरण दिया जा रहा है, इनके साथ कुछ ज्यादती हो गई? और ज्यादती नहीं हुई चंडीगढ़ में, आप चंडीगढ़ इस टाइम सेक्टर 21 में बैठा हूं
किसी को भी ये मालूम नहीं था कि चंडीगढ़ जो एक शहर 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर का है उसमें 27 स्टेट हाईवेज चल रहे हैं। तो जब ये ऑर्डर आया 15 दिसंबर को, उसके बाद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने यह नहीं सोचा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना पक्ष रखें। उन्होंने 1.5 महीना बाद एक रास्ता निकाला कि हम इसको डीनोटिफाई ही कर देते हैं रोड्स को, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको तोड़ने का एक रास्ता ढूंढते हैं, जिसको बहुत जल्दी से बाकी की जो स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गोवा है, उन्होंने जल्दी से जल्दी इनको कॉपी करके उन्होंने भी डीनोटिफिकेशन का काम शुरू कर दिया। और दूसरी बात, जैसे आप बार्स वगैरह की बात कर रहे हैं, सेम चीज जो ठेके का लाइसेंस है वो बार को भी मिलना शुरू हो गया। वो जो कहते हैं ना कॉम्बो पैक, तो वो कॉम्बो पैक हो गया कि भाई एक बार भी होगा, जिसने अंदर आके पीनी है वो आप बार में बैठ के पी ले, बाकी अपनी बॉटल लेकर चले जाओ। तो ये सॉल्यूशंस नहीं है इनको, जिस जिसको प्रॉब्लम थी इस ऑर्डर से वो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता था, विकल्प था, तो उसको क्यों नहीं उन्होंने फॉलो किया? और क्यों आज जब इस चीज की इम्प्लीमेंटेशन की बारी आ रही है तो उस टाइम इतना हल्ला हो रहा है? उससे पहले इनको कोर्ट जाना चाहिए था, और अगर इनकी दलील में इतना दम होता तो सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली उस चीज को सुनना था और उसके अकॉर्डिंगली अपने जो ऑर्डर है उसमें अमेंडमेंट करनी थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स की पॉपुलेशन 20,000 से कम है उनमें ये डिस्टेंस 500 मीटर से कम करके 220 मीटर किया गया है। तो वो वहां गए, उन्होंने अपना पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट को उनकी बात में तर्क लगा तो उन्होंने ये चेंज किया। तो ऐसे ही सबके पास, सुप्रीम कोर्ट सबके लिए सेम है, तो दे हैव द राइट टू गो देयर एंड अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो उन्होंने नहीं किया तो आज उसको लेकर। शेरवानी साहब, मेरा सवाल यह है कि जो हरमन सिद्धू की बात है उससे दो बात निकल कर आ रही है कि आप लोगों के पास भी मौका था, राज्य सरकारों के पास भी मौका था, पर राज्य सरकारों ने सड़कों की हैसियत बदलने का रास्ता अपनाया कि हाईवे से उसको नगर पालिका कर देते हैं, तो इससे तो आप लोगों को राहत मिल गई होगी या मिलने की उम्मीद की जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप लोग भी अपना पक्ष नहीं रख पाए, जो चिंता है सुप्रीम कोर्ट की कि एक्सीडेंट की है कि आप इस तरह से खुली अगर शराब बिक रही है हाईवे के आसपास और वो दुर्घटना का कारण है, तो हमको उसका भी तो एक मौका देना पड़ेगा ना। तो ये हंगामा जो है कि नौकरियां चली गई हैं, बिजनेस खत्म हो गया है, ये तो इसकी आहट तो आपने पहले सुन ली थी, तब आप लोग क्या कर रहे थे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि हमारे सिद्धू साहब भी इस बात को जानते हैं कि शायद सबसे पहले जो केस हुआ था ये सिर्फ वेंडर्स के खिलाफ हुआ था और इसमें होटल और रेस्टोरेंट का नाम तक नहीं था। बहुत वक्त तक हम ये समझते रहे कि इसमें होटल और रेस्टोरेंट नहीं है। अच्छा, जब दिसंबर में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसमें होटल और रेस्टोरेंट का नाम नहीं था, वेंडर्स का था। और बहुत मगर कुछ स्टेट्स में कुछ हमारे होटल के मेंबरों को नोटिस मिलना शुरू हुए या उनको लोगों ने कहा कि भाई हम 31 मार्च में आपको लाइसेंस रिन्यू नहीं करेंगे। उस वक्त जो था लोग उठे और उन्होंने सोचा कि भाई अगर ऐसा होगा तो कैसे क्या करना चाहिए, और हम लोगों की मीटिंग हुई, हमने बात किया, कहीं हमें दो तरीके के जवाब मिले, कहीं हमें ये बताया गया कि हम उसमें नहीं हैं और कहीं हमसे कहा गया कि नहीं हम उसमें शामिल हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजों से भी इस सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 15 दिसंबर का उनसे कहा कि भाई इसका आप हमें क्लैरिफिकेशन बताइए, इंटरप्रिटेशन बताइए। तो हमें ये मिला कि इसमें होटल और रेस्टोरेंट नहीं है, और उसकी अपनी वजह थी जो मैं बाद में आपको से बताऊंगा कि क्यों था। मगर एकदम से जब ये 31 मार्च का जो डिसीशन आदरणीय कोर्ट का आया तो उससे जो है ये कहना जरूरी है कि टूरिज्म उद्योग में तो भूकंप तो आया है। पर आप लोग कहां थे जब मीट पे इतना सारा हंगामा हो रहा था उसको लेके, उससे टूरिज्म पे कोई असर नहीं पड़ रहा था? जिस तरह से पूरे देश के होटल कारोबारी ये सब खड़ा हो गए तो मीट को लेके इतनी दुकानें बंद हो रही थी और इतना तरह का कंफ्यूजन फैल रहा था, तब तो आपका कोई संगठन और इस तरह होटल का संबंध तो शराब और मांस दोनों से है, मतलब पनीर और दालमोट वालों को छोड़ दें तो जहां जहां
जी जहाँ तक हमारे पास अगर किसी चीज़ की कमी होती या तो बिल्कुल होटल इंडस्ट्री इसके साथ होती, जहाँ तक हमें है, जहाँ तक दिल्ली में मेरा व्यवसाय है या उत्तराखंड में है, वहाँ पे हमें अभी तक किसी कमी की महसूस नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगर हमारे पास हमारे मेंबर कंप्लेन करते या आते कि ऐसा है तो हम, और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, जो कार्य हम कर रहे थे वो इलीगल कार्य नहीं था, उसका कोई कानून उसके खिलाफ नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कानून बन गया है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो अब हम कहेंगे वो कानून बन गया है, मगर ये कानून जब हम ये बिजनेस करते थे तो ये कानून नहीं था। पर कहीं हमने पढ़ा है, कहीं हमने पढ़ा है कि 100 मीटर के दायरे में आप दुकानें नहीं खोल सकते हैं ना, ये तो कानून था ना पहले इस तरह से कि हाईवे से 100 मीटर के दायरे में आप इस तरह का होटल या जो सटी हुई चीजें हैं, या वहां से हाईवे बाद में गुजर गई। हम उस होटल और रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं जिनके पास लाइसेंस था, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो गैर कानूनी तरीके से चला रहे थे तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। कंप्लायंस जो होता है, अगर आपके पास 20, वैसे भी होटल लाइसेंस जो है कम से कम 40 से 50 लाइसेंस होते हैं, और होटल को तभी चलाने दिया जाता है जब वो पूरे लाइसेंस से कंप्लायंस करता है। ठीक है हरमन साहब, मेरा एक सवाल है कि देखिए, पीने वाला तो कहीं से भी पी के आ सकता है, वो तो गाड़ी में लेकर आ सकता है। ठीक है कि एक तर्क से ये बात समझ में आती है कि ठेके बंद हो जाने चाहिए और इतनी आसानी से हाईवे के किनारे शराब उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो 501 मीटर पर दुकानें खुल जाएंगी तो वहां से भी शराब पीकर आ सकता है। और जो दूसरी बात शेरवानी साहब कह रहे हैं कि होटल और जो पब हैं, जो ठेके नहीं है, वेंडर्स जिसे हम ठेका समझ रहे, अगर सही समझ रहा हूं तो, उन्हें इसका एहसास नहीं था कि वो भी इसके दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि वो जरूरी नहीं आप 5-स्टार होटल में जाके पी रहे हैं तो वहां से तो कोई बोतल लेकर शायद नहीं निकलता हो, वहां पीता ही है और खाने पीने के साथ जाता है। पहले तो जो आपने 500 मीटर की बात की है, तो हरेक चीज में कोई ना कोई एक लिमिट रखी जाती है। जैसे पहले होता था कि भी अगर 100 में से 40 नंबर आ गए तो आप पास हो गए, तो हर बार ये जिसके 39 नंबर आएंगे वो कहेगा जी एक नंबर और दे देते तो शायद मैं पास हो जाता हूं। तो आई डोंट थिंक इसमें इतना कोई खास लॉजिक होगा। और दूसरी जो बात है, अभी जो मेरे दोस्त कह रहे थे कि भाई उनको ये क्लियर नहीं था कि भाई ये ऑर्डर उन पे अप्लाई होता है कि नहीं, और उन्होंने राय ली किसी रिटायर्ड जजेस से, और ये नहीं उन्होंने पढ़ा जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट तौर पर, जो 15 दिसंबर का ऑर्डर था, ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज shall forthwith seize and desist from granting licenses for the sale of liquor along the national and state highways. So, ये चीज कोर्ट के ऑर्डर में लिखी हुई थी, और अगर उनको कोई कंफ्यूजन था तो उनके पास एक बहुत क्लियर रास्ता था। 68 applications सुप्रीम कोर्ट में ये 15 दिसंबर के ऑर्डर के बाद पड़ी, तो वो भी अपना पक्ष कोर्ट के अंदर रखते और वहां अपनी बात रखते और उस पर सुनवाई होती। और जो एक और आप बात कर रहे हो कि जरूरी नहीं है कि लोग सड़क के किनारे वाली दुकानों से लेकर शराब पियेंगे, वो कहीं से भी शराब पीकर आ सकते हैं। इस चीज का भी कोर्ट के ऑर्डर में डिटेल्ड तरीके से मेंशन है कि ये जो ऑर्डर है या इसका जो रिजल्ट है उसके साथ ये नहीं होगा कि ड्रिंक ड्राइविंग बिल्कुल बंद हो जाएगी, उसमें भी ये मेंशन है कि भी लोग अपने घर से लेकर आ सकते हैं। लेकिन ये एक उस तरफ एक स्टेप है, और ये डेफिनेटली आप भी इस चीज को मानेंगे कि अगर इसी टाइम आपके सामने कोई चाय का प्याला परोस दे तो शायद आप उसकी चार चुस्कियां ले लोगे। ठीक है, और अगर वो नहीं मिलेगा, आपको पता है कि आपको उठ के चाय बनानी पड़ेगी, तो आप शायद उसको अवॉइड करोगे। ठीक है, पर शेरवानी साहब मेरा आपसे सवाल है कि जब सरकारें आपके हाईवे को, एक सेकंड, जब आपके हाईवे को बदल रही हैं, उनका नाम और उनकी हैसियत बदल ही रही है, तो आपका तो काम हो ही गया, तो आप लोग फिर किस बात से परेशान हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी अखबारों में पढ़ा है, और आप जैसे टीवी पे कह रहे हैं मैंने सुना है, जहां तक मेरी खबर है मेरे कम से कम 30-40% मेंबरों के लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए हैं। आज के दिन जैसे हम बैठे हुए हैं वो रिन्यू नहीं हुए हैं। और जहां तक सिद्धू साहब कह रहे थे कि ये गए क्यों नहीं, तो हमारा एसोसिएशन कोर्ट गया था अखबत में, मगर वहाँ 40 जो लॉयर थे वो सारे ठेकों के लॉयर्स थे, वाइन एसोसिएशन के लॉयर थे, और हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई, अपनी बात हम
ठीक से शायद रख नहीं पाए या हमारी आवाज उन ठेकों के और लॉयर्स के आवाजों में कहीं दब गई। ये हो सकता है, पर अब क्या किया जा सकता है? अब आप लोग कोर्ट में ही जाकर फिर से दोबारा सुनने के लिए अपील करेंगे? हमारी मीटिंगें चल रही हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं। मैं इतना कानून का एक्सपर्ट नहीं हूं क्योंकि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट है, मगर मैं इस फैसले का हम इस बात की तो कदर करते हैं कि ड्रंकन ड्राइविंग जो है वो कम होनी चाहिए, मगर आप ही के आंकड़ों से मुझे पता चला कि 3% जो एक्सीडेंट होते हैं वो ड्रंकन ड्राइविंग के होते हैं। 3% कम है लेकिन संख्या में 6,000 है। और आपको देखिए, अगर आप नितिन गडकरी को फॉलो कर रहे हैं, मगर मैं नितिन गडकरी को फॉलो करते हो तो रेडियो से लेके वो हर जगह हर भाषण में यही एक बात बोलते हैं कि मेरा बस चले तो मैं किसी तरह से इसे कटा दूं। उनसे हो या ना हो अलग बात है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी उनके किसी भी इंटरव्यू में देखिए तो पहली बात यही बोलते हैं। जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिस तरह से पिछले 20-25 सालों में हमारे शहर बढ़े हैं, हमारे शहर की लिमिट्स बढ़ी हैं, हाईवे बाद में आए, होटल पहले थे, और आज तक जैसे कहा कि सारी शादियां या वो उस शहर के लोग आते हैं होटलों में, और अगर आप गाड़ी में अगर कोई ऐसे ही पीने वाला है तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर वो 1,000 किलोमीटर का रास्ते में जा रहा है तो 500 मीटर उसको गाड़ी मोड़ के शराब खरीद के फिर गाड़ी में रखकर 1,000 किलोमीटर की जर्नी कंटिन्यू करने के लिए उसको क्या दिक्कत है। ठीक है, तो शेरवानी साहब आपका शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फौजान अलवी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है अब वो तो संसद से ही बदला जा सकेगा, और इस तरह से अगर राष्ट्रीय राजमार्गों को की हैसियत बदलती चली गई तो पता चला कि देश में कहीं नेशनल हाईवे ही नहीं है। तो खैर, अब हम इस पर बात करना चाहते हैं। फौजान साहब, आपको मैंने यही बुलाया क्योंकि आपने दोनों कवरेज देखा होगा मीडिया का। बहुत दिलचस्प लगा कि इस पूरे दलील में रेड वाइन को लाया गया कि रेड वाइन से स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जैसे ठेके में रेड वाइन ही ज्यादा बिक रही हो। क्या आप लोगों को ये ऐसा मौका मिला मीडिया के कवरेज में, आपको दिखा कि मीट में प्रोटीन का भी तत्व होता है, वो भी गरीबों के लिए अच्छा है? नहीं, मीट में प्रोटीन का तत्व तो नहीं आया। हाँ, जैसे ये समस्या हमारे उत्तर प्रदेश में शुरू, रवि जी, उसमें एकदम से ऐसा लगा कि जो जो काम कर रहा है वो सब इलीगल है। किसी ने जाके ग्राउंड पे देखा नहीं कि भाई, हेल्थ मिनिस्टर ने बार बार कहा, बार बार जो लीगल है कोई टेंशन नहीं, जो इलीगल है वो टेंशन। अब वो एक इतना घमासान मीडिया में हो गया, खासतौर से लोकल मीडिया में, कि ऐसा लगा कि जो काम कर रहा है गलत काम कर रहा है, और प्रशासन इतना एक्टिव हो गया और कि एक 25 आदमी 50 आदमी की टीम लेकर के फैक्ट्रियों में जाने लगा, लोकल दुकानों में जाने लगा। ऐसा लगा कि अब इसके पास प्रशासन पास के अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। मतलब अगर ये सही हो जाएगा तो उसके बाद रामराज शुरू हो जाएगा। एक तक दिया गया कि वो अवैध चल रहे थे, तो उसने अवैध बूचड़खाने क्या थे? वैध और अवैध का फर्क क्या है? अवैध जो है वो म्युनिसिपल काउंसिल की जिम्मेदारी है। हर शहर में, हर टाउन एरिया प्लानिंग में एक बूचड़खाने की, स्लॉटर हाउस की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। कोई नक्शा उसके अलावा कंप्लीट नहीं होता है। तो ये एनजीटी और माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो बात हो रही है कि 129 और 130 उसमें से 40-42 तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, साहब उनके पास सारी परमिशंस हैं। ठीक है, अब ये वैध हुए। अब अवैध में जितने स्लॉटर हाउस जो म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है उसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट होना, उसमें वेटनरी डॉक्टर का होना, उसका मेंटेनेंस म्युनिसिपल अथॉरिटी का करना, वो सब अवैध है। क्योंकि क्या हुआ पिछले कई सालों तो में, अगर अवैध है तो ये वेटनरी अफसर भी जिम्मेदार है उसके लिए, उसका पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। तो उनमें से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? अब किसी के खिलाफ कार्रवाई ना ही मीडिया ने जाकर के ग्राउंड पे दिखाया कि भाई ये सरकार का म्युनिसिपल स्लॉटर हाउस है। हाँ। और इसकी यह हालत है, जंग लग गया है, पानी नहीं है, टूट गया है, बीसों महीनों से कोई गया नहीं वहां पर, कीड़ा लग गया, बीमारी हो गई, सब हो गया। तो वो किसकी जिम्मेदारी है? वो हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। वहां पर क्या होता था पहले कि जो जिसको गाय तो नहीं कटती है, जिसको भैंस काटनी है, जिसको क्या कहते हैं बकरा काटना है, वो वहां जाता है, एक फीस देता है, डॉक्टर एंटीमार्टम पोस्टमार्टम करता है और उसको क्या कहते हैं उसके बाद शहर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो प्रैक्टिस पूरी 20 साल से बंद हो गई। ये बंद हो गई? बंद हो गई। अच्छा, दूसरी बात, जो
गौकशी की बात कर रहा है। ये बंद क्यों हुई? क्योंकि वेटनरी ऑफिसर कम हो गए हैं या वो माल कमाने लगे? नहीं, वो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज ने उसकी तरफ देखा ही नहीं साहब 20 साल से। तो जब ऊपर से नहीं देखा गया तो नीचे से किसी ने देखा, सब वो डाइल्यूट हो गया। यूपी की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, थोड़ा सा छोड़ दीजिए तो सब 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 डाइल्यूट हो जाता है। जो हम जो अवैध बूचड़खाना समझते हैं, वहाँ क्या, वहाँ पर गायें कट रही थी? नहीं नहीं, साफ सब पूछता हूँ। इस तरह से लगा कि इस तरह से दिखाया गया कि वहाँ वही कट रही थी अवैध रूप से और उन्हें ही पकड़ा जा रहा था। सब गौकशी तो एक कानूनी जुर्म है, वो एक लॉ एंड ऑर्डर इशू है। यहाँ पर कोई चोरी छुपे क्या कर रहा है किसी को नहीं मालूम है, लेकिन इन सब जगहों पर जो है वहां पर ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। ये बेसिकली भैंस बकरी और भेड़ का काम हो रहा है यहां पर, और जो लोकल अपना मुर्गा मछली वो तो अलग अलग दुकानों पे हो रहा है। अच्छा क्या हुआ कि इतने सालों से किसी ने इसकी तरफ देखा नहीं। दिस इज अ फेलियर ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, म्युनिसिपल एक्ट। तो उसमें सब मंत्रालय कर्मचारी और कारोबारी वो भी तो लाभ ले रहे थे ना, बिल्कुल ले रहे थे बेच के। हमारे यहाँ तो क्या होता, थोड़ा सा अगर आदमी ढील छोती तो क्या कहते हैं, सब आदमी अपने अपने हिसाब से काम करने लगता है। तो उसका फेलियर हो गया ये। तो अब ये जो बंद हुआ, एक फैसला तो इसका वो है कि ठीक है सरकार अपना एक्शन ले रही थी, ठीक है, लेकिन जो उसको प्रेजेंटेशन हो रहा था उसमें मैं जानना चाहता हूं कि फिर वो आप लोगों को किस तरह से इफेक्ट किया, किस तरह की धारणा फिर बनाया? सब धारणा क्या होता है, एक बहुत रॉन्ग मैसेज जाता है जब ये एकदम से कंट्रोल नहीं होता इस तरह की कोई भी धारणा। ठीक है साहब, वो 2-4-5 दिन निकल गए उस कन्फ्यूजन में, उसमें बहुत डैमेज हुआ। उसमें डैमेज किसान का हुआ, उसमें ट्रांसपोर्टर का हुआ, उसमें एक्सपोर्टर का हुआ, उसमें डेली जो लोकल बुचर है उसका हुआ, पोल्ट्री वाले का हुआ, मछली वाले का, सबका हुआ साहब। दूसरी बात यह है कि मीडिया ने कभी ये नंबर नहीं देखे शराब के, उसमें दिखा रहे हैं 1,000 करोड़ 500 करोड़ रुपए डेली का नुकसान। इसमें जो डेली का नुकसान हो रहा है साहब, अभी मैं आपके टीवी पे देख रहा था कि वो टूरिज्म मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि यू नो इट इज गोइंग टू बी अ बिग हिट फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री। तो साहब जो बाहर से पर्यटक आ रहा है वो क्या खा रहा है? वो तो मांस मछली खा रहा है ना साहब। तो उस पर किसी ने बोला नहीं, ना किसी ने नंबर क्रंचिंग करी कि डेली बुचर का उत्तर प्रदेश में कितना नुकसान हो रहा है, एक्सपोर्ट का कितना नुकसान हो रहा है, और सबसे ज्यादा फार्मर का कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है साहब। साहब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इज इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग दिस होल एक्ट ऑफ स्लॉटर, पर्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन में तो हर आदमी इन्वॉल्व है, सब हिंदुस्तानी है। तो ये इसका एक राइट मैसेज, ठीक से इसको डिबेट नहीं किया गया, उसको ठीक से पर्सपेक्टिव में नहीं रखा गया, इसको सही पर्सपेक्टिव में नहीं रखा गया। मीडिया को जाकर के देखना चाहिए था कि अवैध है क्या। अवैध तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं, अवैध तो बिल्डिंग हो सकती है, अवैध तो सब्जी मंडी हो सकती है, अवैध तो कोल्ड स्टोर हो सकता है, अवैध कुछ भी हो सकता है, अवैध तो नीचे की पार्किंग भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ बूचड़खाने ही अवैध चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, ठीक है साहब। बट इतना हाई टेंशन फोकस जो था उसने बहुत डैमेज किया, और अभी भी देखिए क्या क्या कोई सोल्यूशन उसका लोकल आदमी के लिए नहीं निकला है। जो 41-42 एक्सपोर्ट हाउसेस चल रहे हैं उसमें से 8-9 बंद हैं, उसके भी कारण जो है वो एंटी स्लॉटर एक्ट के अलावा सारे कानून में है। तो उसमें जैसे अब आपके घर में एक बल्ब फ्यूज हो गया तो मैं आपको आपकी फैक्ट्री में दुकान में बोलूंगा कि भाई तुम अगली बार आओगे तो ये बल्ब सही कर लेना या हीटर सही कर लेना, लेकिन दुकान में ताला नहीं लग जाएगा। तो 8-9 फैक्ट्रियों में उस तरह से ताला लग गया साहब। अब वो रोज एक नया एप्लीकेशन, रोज एक पेपर जमा हो रहा है उनका, कब खुलेगा किसी को नहीं मालूम। पर जो सरकार तो कह रही है कि खोलेगी और चलाएगी, ठीक है, लेकिन क्या इससे आपको फायदा नहीं होगा कि जो अवैध हटे हैं? तो ये हमेशा एक जो टेंशन लगा रहता था, कभी भी आप शक के दायरे में आ जाते तो जो लोग लीगल कर रहे हैं उनके लिए कोई फायदा नहीं है। तो दो तरह का इसमें एंगल है, एक तो बूचड़ खाने वाला डिबेट है और एक जो मीट मछली बेचने वाला है उसका डिबेट है साहब। ये बड़ा डिबेट जो है, ये जो शहर में एक आपका लोकल बूचड़ जिसको कहते हैं आप, जो मटन बेच रहा है, जो बफलो मीट बेच रहा है, जो मुर्गा मछली बेच रहा है, प्रॉब्लम इसके साथ है साहब। वो आपने दिखाया 17 गाइडलाइन चाहिए आपको एक मीट शॉप खोलने के लिए, उसने खोल लिया, उसने एसी लगा लिया, गीजर लगा लिया, स्टरलाइज सब कर लिया, लेकिन वो रॉ मटेरियल लाएगा कहाँ से? लाने के लिए तो आपको कानूनी म्युनिसिपल स्लॉटर हाउस ही में जाना पड़ेगा। म्युनिसिपल स्लॉटर हाउस है नहीं,